नॉमिनेशन ने जो है किसी एक का होश उड़ा दिया है और उसके अंदर में आ चुका है पुनीत सुपरस्टार की आत्मा। अब ये सुन के अगर झटका लग रहा है तो बॉस ठहरो, बताता हूँ एग्जैक्टली आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि हुआ क्या है। पूजा भट्ट ने जो है कह दिया कि वैसे तो कोड भी जो है अपना छाप छोड़ कर जाता है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। मैं ये तो मानता हूँ कि भाई पुनीत सुपरस्टार सुपर क्रिंज था और कोई इंसान लगातार ऐसा नहीं हो सकता। वो बंदा जो है नहीं झेल पा रहा होगा या फिर वो अंदर घुसने के बाद एक अलग सा सिचुएशन होता है, पर उसको ये कह देना कि भाई कोड भी छाप छोड़ जाता है, क्योंकि बातें चल रही थी बेबिका के बारे में और बेबिका जो हरकत कर रही है आफ्टर द नॉमिनेशन, जैसे ही नॉमिनेशन पे उसका नाम घसीटा गया और मैक्सिमम लोगों ने उसका नाम लिया, जो कि मैं भी भाई सहमत हूँ जो नाम लिया गया है, पर वो घर से निकालने लायक नहीं है। वो एंटरटेनिंग है और वो बहुत सारी मचांड करेगी, जिसके वजह से देखा जाए तो भाई लोगों को चुभा कि ये बहुत गलत तरह से लोगों के कैरेक्टर में घुसती है और उसके बारे में अंडशंड कुछ भी भाग देती है और उसके बाद से बोलती है कि आई वाज किडिंग। तो भाई वो चीज जो है ठीक है, चल रहा था। अब बीच में बात आती है कि इसके अंदर में ना वो पुनीत आ गया है। उसी कन्वर्सेशन के बीच में जो है अविनाश सचदेव कह लो या फिर फुकरा इंसान, ये लोग कह बैठे कि भाई यहाँ पे पुनीत सुपरस्टार की आत्मा जो है ना वो तो बसी हुई है। वो भले से एक दिन के लिए आया था पर यहाँ पे सब कुछ छोड़ कर गया है, क्योंकि उसकी आत्मा जो है ना भाई इस बंदी में आ गई है। चिल्लम चिल्ली एनी टाइम आसपास में चिल्ला रही है और अपने आप पे ही चल रही है, तो भाई ये वही है। अब उसके रिप्लाई में पूजा भट्ट मैम ने कह दिया कि वैसे निशान की अगर बात करोगे, लोग कह रहे थे कि तूफान जो अपना निशान छोड़ जाता है, तो कह बैठते कि कोड़ भी अपना निशान छोड़ जाता है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी पूजा भट्ट मैम से कि वो इस तरह से कह दे कि भाई एक बंदे को लो स्टैंडर्ड कह रही है, एक बंदे को कह रही है कि हाइजीन के मामले में प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, वहां तक भी सही नहीं हो सकता, वो भी सही, लेकिन इस हद तक कह देना कि कोड़, ये बात तो थी पुनीत सुपरस्टार की। पर इस घर के अंदर में दूसरी पुनीत सुपरस्टार आ चुकी है और वो है बेबिका, और बेबिका जो भी चीजें कर रही है वो धीरे धीरे उसका कंट्रोल हो रही है और घर के अंदर में सबसे धीरे धीरे दूर हो रही है। पर ये दूरी जो है उनको और ज्यादा नजदीक लाएगी बवाल करने के लिए, झगड़े करने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या सच में पुनीत सुपरस्टार की आत्मा आ चुकी है या बेबिका का अपना कैरेक्टर है, और जो पुनीत सुपरस्टार को कहा गया है क्या वो उस तरह से कहना सही था? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। ऐसे और भी डिस्कशन अपडेट और गॉसिप के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त।